गुड मॉर्निंग वीडियो लाइव विद अर्चना में आप सबका है स्वागत। और मैं आई हुई थी छत पे पौधों में पानी डालने के लिए, तो सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया है, यानी कि पौधों को अन्नी अन्नी करा दिया है। अब इसके बाद जाऊंगी मैं नीचे, सारा काम करूंगी नीचे, क्योंकि खाने बनाना है और फिर दुकान जाना है। काफ़ी दिन से दुकान भी नहीं जा पा रही थी मैं, काफ़ी दिन से मतलब 2-3 दिन से मैं दुकान भी नहीं जा पा रही थी और वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। वीडियो तो मैं कई दिन से रेगुलरली डाल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है, आलस सा आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करो। खैर आज मैंने सोच रखा नहीं, आज मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी चाहे जो हो जाए तो मैंने शुरुआत कर दिया और गुड मॉर्निंग में आप लोगों को बोल दिया है, तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। इसके बाद निकलती हूँ शॉप के लिए, वहाँ पर मुझे कुछ काम भी एक कुर्ता से करना है क्योंकि मुझे कहीं घूमने जाना है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयारी में क्या, पहले मेरे पास गॉगल्स नहीं थे, मैंने गॉगल्स ले लिए हैं, मतलब ऑनलाइन मंगवाए थे, जब मैं देखूंगी तब पहनूंगी, जब तब वहाँ पे देखिएगा। और पैर मुझे काट रहा है और कुछ नहीं, और कपड़े भी लिए हैं वो भी मैं वहीं पे पहनूंगी। तो फिलहाल मुझे कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, मतलब सही करना है, फिटिंग का बनाना है अपना, थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको काटूंगी, उसको सही करूंगी। मिलते हैं शॉप पे। आज का तो लग रहा है जैसे कि दिन ही ख़राब है। सुबह मैं 10 बजे की घर से निकली हूँ और मैं पहुँच रही हूँ 11 बजे तक शॉप पे अपने, मतलब टेम्पो वालों ने दिमाग ख़राब करके दिया। एक टेम्पो में बैठी हूँ, अब वो गया पहले पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे उसने टाइम लगा दिया, फिर उसका टेम्पो स्टार्ट नहीं हो रहा था, सवारियों ने मिलकर धक्का दिया। जैसे तैसे टेम्पो स्टार्ट हुआ, हम लोग आगे बढ़े, फिर एक हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ चक्कर लगाने लगा सवारी के लिए। कई चक्कर लगाने के बाद फाइनली उसने रोड पर आके हमें उतार दिया दूसरी सवारी के लिए। वहाँ से दूसरी सवारी पकड़ी, थोड़ी दूर पे आए तो वहाँ पे सवारी और ड्राइवर जो है उसके साथ लड़ाई होने लगी, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, टेम्पो में बैठे बैठे ही लग रहा था कूद के भाग जाओ, छोड़ दो टेम्पो हमको। कभी कभी तो बहुत सही से, मतलब इतना टाइम नहीं लगता मुझे आने में यहाँ पे, लेकिन आज तो पता नहीं क्या, घर से मैं निकली हूँ तभी से ही हो रही मेरे साथ, देखें शाम तक क्या क्या होता है। फिलहाल मैं अभी दुकान पर पहुँच गई हूँ, सामान उमान थोड़ा बहुत बाहर निकाल दिया मैंने, बाकी आप देख ही सकते हैं मेरे बाहर लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, इनको भी बाहर निकाल देती हूँ। इसके बाद कुछ मैं स्ट्रेच करने के लिए आई हूँ, थोड़ी हवा ले लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखा मेरा चल ही रहा है और फिर इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और मैंने अपनी सारी दुकान साफ़ कर ली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे सारी गंदगी हुई थी, मैं जब एंट्री किया था मैंने बताया था सारा सामान मैंने बाहर लगा हुआ आया था, मतलब लगा रहा था मेरे को, फिर मैंने देखा कि थोड़ा सफाई करने लगा ना तो इधर भी गंदा है उधर भी गंदा है, तो उस चक्कर में मैंने सामान हटाया ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े नहीं लग जाते हैं, वो जो मिट्टी खोद के पूरे में लगा देते हैं वही हो गया था। अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे तो उन्होंने सारा डिब्बा जो है उसको अचट कर दिया, कपड़े ठीक हैं, मतलब जो अंडरगारमेंट्स थे वो ठीक हैं, डिब्बा ही अचट कर दिया, तो मैंने उसको चेंज किया, दूसरे कपड़े डब्बे में उसको शिफ्ट किया है, पूरा झाड़ा यहाँ पे है, फिर पोछा लगाया है, करीब मुझे इन सब करने में लग गया है 1.5 घंटा है। और अब मैं बैठी हूँ हवा लेने के लिए, मेरे बाल मैं आज धो के आई थी तो बंधे हुए थे, उन्हें सुखाना भी ज़रूर था क्योंकि बहुत देर तक मेरे सर पे बाल, मैंने जैसे जुआ टाइप का बना लेती हूँ मेरा सर दर्द होने लगता है, किसी और का पता नहीं पर मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द है, बहुत देर तक मुझसे जुआ नहीं बनाया जाता, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाती सिवाय चोटी के अलावा। क्या है करूँ पता नहीं यार क्या है, कुछ पहले बना लेती थी अच्छा लगता जुड़ा मेरे पर, लेकिन इस समय नहीं बना पाती मैं। तो अभी मैं सिलाई के लिए लाई थी कोई कपड़ा बनाने के लिए, तो वो मैंने अभी सिलना शुरू नहीं किया है, थोड़ा हवा ले लूँ इसके बाद, मतलब मैं कंटिन्यूसली बहुत देर से काम कर रही थी, घर पर भी किया था, फिर वहाँ से मैं बैंक गई, फिर मैं दुकान आई, उसने मेरा समय इतना बर्बाद कर दिया, फिर दुकान पर 1.5 घंटा काम हो, साफ़ सफाई में लग गया मुझे, थोड़ी सी दुकानदारी हुई और इसके बाद बैठी हूँ मैं, फिर इसकी स्लाइड जो जैसे मैंने बताया था करना है मुझे, क्योंकि मुझे घूमने जाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और ये सरप्राइज़ है, मैं जब जाऊँगी तभी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। मैं अभी वहाँ फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वहाँ जा चुके हों पर मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम है और मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जाना और क्या ही बताऊँ मैं, तो काम कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं शाम की चाय पे घर पे। खाना पीना मैं खा के आई थी, मैं लेके आई हूँ 2 केले खाने के लिए जिसको मैं दोपहर में खा लूँगी, अब उसे लंच समझ लीजिए, उसे ब्रेकफास्ट समझ लीजिए जो भी है। फिलहाल में मैंने आलू टमाटर गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और कल का चावल रखा था तो मैंने वही खा लिया, रोटी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम हो रहा था जाने के लिए, थोड़ा सा और भी दफ्तर के काम थे कपड़ों पर, सुबह मॉर्निंग में उठो ना तो घर पर भी दुकानों की वजह से काम बढ़ जाता है
और भी सारे साफ सफाई रहती है, तो उस वजह से भी इतना टाइम ना नहीं सब मिलते। कभी कभी तो मैं पूरा खाना बना लेती हूँ, कभी कभी नहीं बना पाती हूँ, तो सब्जी मैं बना देती हूँ, मम्मी बाकी का खाना बना के खा लेते हैं जो भी उन्हें ज़रूरत होती है। और इसके बाद जब मैं बनाती हूँ जाती हूँ यहाँ से, तब मैं बनाती हूँ, तो इसके बाद मैं जाऊँगी मॉर्निंग में, मतलब इवनिंग में जाऊँगी मैं घर पर, शाम की चाय पर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए। मैं घर पहुंच गई हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय। अभी मैंने ड्रेस अपनी चेंज नहीं की है, लेकिन चाय रख देती हूँ, जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में अपनी ड्रेस चेंज कर लूँगी। और उसके साथ खाने के लिए होगा रस। पहले उससे पहले सबसे पहले मतलब मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो वेलकम टू माई किचन, और रात के खाने में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। खाने के तौर पे मैं कभी भी कुछ भी बना सकती हूँ और बना के खा सकती हूँ, तो अभी मेरा मन कर रहा था मैक्रोनी बनाने का, तो मैंने उसे रख दिया उबलने के लिए। फिलहाल मैं अभी पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे मैक्रोनी। इसके बाद चटापट वाली मैक्रोनी बनाएंगे, थोड़ी तीखी थोड़ी नमक वाला, हम कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो खाना स्किप हो जाएगा और आज भरा जाएगा मैक्रोनी से पेट। आप लोग क्या बना रहे हो? फिलहाल भी मुझे अभी कुछ पता नहीं है, बाल मेरे फिर से वही तो बाप रे, कलर कहाँ जाता है मेरे को अपने में लग रहा है, सारे बाल के अंदर ना कलर मेरा समा जा रहा है। अभी मैंने कलर लगाया है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मैंने कलर लगाया है, एक ही वॉश में ये हाल मेरे बालों का। खैर क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए छोड़ देते हैं इसको। तो आप लोग भी बताइए आप लोग खाने में क्या बना रहे हो, और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है, फिर एडिटिंग भी करनी है, वीडियो भी पोस्ट करनी है, और कुछ अभी सिलाई के लिए रह गया था वो सिलाई भी करनी है। दूध गर्म हो गया देख लीजिए, मैं नहीं तो बह जाता अभी। तो आप लोग भी बता रहे हो कमेंट में, और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी द ट्रेवल ग्रुप 19। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। गुड नाइट।